सो गाइज यहाँ पे बहुत क्राउड है, मुझे लगता है व्लॉग बाहर जाके शूट करना पड़ेगा। सो गाइज वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं हो पा रहा था तो मैं आपको जल्दी बता देती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग करने की कब से कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं पा रही है। तो गाइज़ मैं आई हूँ यहाँ पे क्विक वे मॉडिफिकेशन भटिंडी जम्मू में, जो कि गाड़ियों का शोरूम है। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की गाड़ी और बाइक जो है मॉडिफाइड होती है, वह सब रैप होती है और बहुत अच्छे से रैप होती है। किसी के पास कोई चीज़ है तो वो हर कोई चाहता है कि जो उसकी प्यारी चीज़ है वो एकदम दुल्हन की तरह डेकोरेट रहे, मतलब प्यार से रहे। क्योंकि मैं भी, मेरी भी जो चीज़ें होती है मैं भी उनको डेकोरेट रखना चाहती हूँ, मतलब प्यार से रखना चाहती हूँ, सजा के रखना चाहती हूँ। तो ये तो सबकी पसंद है, जाहिर सी बात है। तो मैक्सिमम जिसके पास कार है या बाइक है वो तो रैप ढूंढते ही ढूंढते, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ अपनी बाइक के लिए, जो मेरी बाइक होगी मैं उसको किस तरह से रैप करूँगी, मैं उसको किस तरह से मतलब डेकोरेट करूँगी, तो वो तो बाद की बात है। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और उस मेहनत में आप लोगों ने मेरा सपोर्ट करना है। तो गाइस अभी मैं बता देती हूँ आपको, मैं जम्मू इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे बाइक्स की और नॉलेज लेनी थी। अब घर बैठे वो मिलती नहीं। हाँ आप बोलोगे कि यूट्यूब से ले सकते हो, लेकिन आप यूट्यूब से पढ़ना सीख सकते हो, लिखना नहीं सीख सकते। मतलब जब तक आप मतलब सिर्फ देख रहे हो देख रहे हो, देखना नहीं उसको करना है। जब तक आप चीज़ को करोगे नहीं खुद से, तब तक आपको बिल्कुल क्लियरली पता नहीं लगेगा। तो मैं खुद यहाँ पर शोरूम में आई हूँ और मैं इस शोरूम को मैनेज करने की खुद कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ उस शोरूम को मैनेज करना। मतलब इसका स्टॉक वगैरह देखना, कौन सा रैप कैसे होता है, गाड़ी को क्या लगता है, साथ में मतलब गाड़ियों का भी सीख रही हूँ, गाड़ी बाइक सबका कौन कैसे डेकोरेट होता है, मतलब सब कुछ मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मतलब दो तीन गाड़ियाँ रैप होने के लिए लाई हैं, मतलब फाइड होने के लिए, और एक बाइक है। तो मैं अभी आपको बाइक दिखाती हूँ, उसके बाद थोड़ी गाड़ी दिखा देती हूँ, क्योंकि आफ्टर बिफोर मैं आपको दिखाती रहूँगी, लेकिन आफ्टर पहले दिखाऊँगी बिफोर बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि दो तीन दिन तो लगते ही हैं रैप होने में। तो अभी चलते हैं, अभी आपको मैं स्टार्टिंग दिखा देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बाइक की बारी, क्योंकि यहाँ पे बाइकें और गाड़ियाँ दोनों रैप होती हैं, दोनों ही मॉडिफाइड हो जाती हैं, तो उसका मैंने थोड़ा बहुत दिया, क्योंकि गाड़ी में इंटरेस्ट भी नहीं है, 50-50 रखो, लेकिन बाइक में तो फुल है ना, 100% है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आई है मॉडिफिकेशन के लिए KTM 200। वैसे बाइक का तो अलग ही मज़ा है मेरे को शूट करने का, मेरे को ना ऐसे दिल मचलता है कब बाइक का ये पकड़ूं, चाबी घुमाऊं और निकलूं। और गाइस मैंने इसकी राइड भी ले ली, बहुत मस्त है। इसकी ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकिंग क्या है, परफेक्ट। जैसे मुझे यार ये इसका लुक इतना प्यारा है, सोचो मॉडिफिकेशन के बाद कितना प्यारा हो जाएगा, मेरे को तो इस पर क्रश आ जाएगा, मेरे को तो इससे प्यार हो जाएगा, मैं क्या ही कर लूँ अब। एक तो जीनो राइड्स को बाइकों से बहुत प्यार है। सो गाइज अभी आपको मैं दिखाती हूँ, मतलब क्योंकि आपको अभी इसका बिफोर आफ्टर चेक करना है, ठीक है। तो अभी ये मॉडिफिकेशन के लिए आई है, ये देख रहे हो इसका दूसरा पार्ट पड़ा है, वो भी ये क्रैश है। और ये हमारे दानिश भाई जो है इसको मतलब खोल रहे हैं। क्या कर रहे हो आप इसको खोल रहे हैं? खोल रहे हैं, खोल के क्या करना है? रैप चढ़ाना है, अपग्रेड करनी है। अपग्रेड करना है, रैप चढ़ाना है। नेक्स्ट गाइज इसने इस वाला, ये वाला हिस्सा खोल दिया, वो इससे ज्यादा क्रैश हो चुका है। वहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये वाला खुल चुका है, दानिश ये वाला भी खोल रहा है अभी, मतलब अभी साइड लुक्स, हाँ फ्रंट लुक्स पूरी चेंज करनी है। सो गाइज ये पूरी बाइक जो है चेंज करनी है। हाँ कैसी बनानी है? अच्छा, तो शायद ये भी कोई ब्लॉगर है जिनकी ये बाइक है, और बहुत अच्छी है, मैंने खुद राइड ली। इसकी जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है KTM मैंने बस 2-3 बारी चलाई होगी, तो मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने चला लिया, मेरे को मज़ा आता है यार। KTM भी नॉट बैड, वैसे कोई बाइक बुरी नहीं है मेरी नज़र में, मुझे तो कोई भी बाइक दिखा, हीरो होंडा क्यों ना दिखे, लेकिन पसंद अलग अलग है। आपको पता है मेरा क्रश R15 है। तो गाइज अभी ये सारा खुलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आपको आफ्टर और बिफोर देखना है, जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ आफ्टर और बिफोर देखना है आपको, इसलिए आप इसको पहले से ही देखो कि ये कैसी है और इसको कैसा बनना है अभी, ठीक है। जो ऐसा बनाने के लिए बोला है, ज़रा वो फोटो मुझे दिखा, जैसा उन्होंने फ़ोटो भेजा है गाइज दानिश को कि ऐसी बाइक बननी चाहिए, मैं आपको एक बार वो फोटो दिखा देती हूँ। इससे तगड़ी बनेगी, मैं आपको फ़ोटो बता देती हूँ कि उन्होंने कैसी बोला, ये कैसी बननी चाहिए, तो फिर देखते हैं कैसी बनती है। ये देख रहे हो, खतरनाक एकदम ड्रैगन जैसी है, ऐसा कुछ ऐसा लुक उन्होंने दिया, ऐसी बननी चाहिए। ये प्रिंट करना है इस पर फ्रंट साइड पे शायद, तो ये इसका लुक रहेगा पूरा। गौर से देखो इस शख्स को, गौर से देखो मेरे प्यार को, गौर से देखो मेरे क्रश को। तो गाइज अब चेक करो, ये होती
ये अभी ऐसी है, अभी ऐसी इसको बनना है, और जब ये ऐसी बन जाएगी तो मैं ये व्लॉग आपको ज़रूर डाल के बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। देख रहे हो पूरी खुल चुकी है बाइक, बिल्कुल बाइक नहीं लग रही है, आगे से नहीं लग रही है, पीछे से लुक बिल्कुल एकदम मस्त है। तो गाइस मैं वेट कर रही हूँ, शायद शाम लग जाए, शायद एक दिन लग जाए, तो मैं वेट कर रही हूँ, फिर जब ये पूरा मतलब मैं व्लॉग कंप्लीट कर लूँगी जगह, देन उसके बाद मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी, तो आप अपने रिव्यूज जरूर देना, और जिसको भी आना होगा तो क्विक में मॉडिफिकेशन आ जाए, नई बाइक बना के ले जाए। सो गाइज यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो गाड़ी रेडी हो रही है आल्टो K10 न्यू वाली कार है ये, तो यहाँ पे इसका सारा कुछ खोल दिया है इन्होंने, राशिद भाई ने। राशिद भाई आप क्या कर रहे हो? सीटें खोल रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो पीछे वाली ना खुल चुकी है, तो अभी बाइक के साथ साथ यहाँ पे कार भी, ये वाली मॉडिफाई, तो यहाँ से आगे से भी इसका सब खुल चुका है। तो गाइज ये रही शॉप क्विक वे मॉडिफिकेशन, इसको रेडी होने में शायद 2 दिन का टाइम लग जाएगा, और बाइक को भी, बाइक भी वहाँ पे अभी पड़ी हुई है, दानिश ने शायद अभी काम छोड़ दिया है तो थोड़ा टाइम लगे। यहाँ पे अभी दानिश स्टेयरिंग कवर लगा रहा है, वो भी ना सुई धागे के साथ, जैसे कपड़े सी रहे हैं, तो कितना आसान है ना गाड़ी की ये फिटिंग वगैरह करना। क्या था पिछली जन्म में? सो गाइस पिछली जन्म में ये टेलर था, पता है आपको, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, देख रहे हो, देखो कैसे सीट है। अब मैं आपको ना बिहाइंड द सीन्स दिखाया करूंगी, जब कार मॉडिफिकेशन होती है ना, बिहाइंड द सीन्स देख रहे हो, जैसे कपड़े को सीते ना वैसे स्टेयरिंग को सीते हैं, तो कोई ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, जैसे आप लोग समझते हो मशीनरी होती है, ये इंसानों के हाथों का कमाल होता है कार मॉडिफिकेशन, जैसे रोल्स रॉयस पे हैंडमेड होती है, वैसे हम भी हैंडमेड। ये देख रहे हो कितनी अच्छी सिलाई करी मैंने, आज तक जिंदगी में अपनी कमीज तक को सिलाई नहीं करी है, फिर तो ऐसी तो बहुत दूर की बात है। और ये वही गाड़ी है गाइस जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, जिसकी सीट वीट्स वगैरह निकली हुई थी, तो फिलहाल 50% ये ना इन्होंने ठीक कर दिए, अभी 50% ना 80% हो गई है, सुना है बस। हाँ तो गाइस इन्होंने सिर्फ खाली स्टेयरिंग सीना है, इसका मतलब 80% बिल्कुल डन है कार। कौन सी कार थी, कौन सी कार थी? स्विफ्ट थी गाइस, कार है आल्टो, आल्टो है आल्टो, हमें खुद नहीं पता है। और जो बाइक मैं दिखा रही थी वो ना अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई है, अभी रैप नहीं हुई है, अभी ये कब होगी, कल होगी ना। तो गाइस आज मैं ये कोशिश नहीं करना, आप कल ही करना, मैं व्लॉग आज अपलोड कर दूंगी, तो कोशिश मत करना, आप सुबह ही करना। तो गाइस वो कल मैं आपको दिखाऊंगी, वो जब रैप वगैरह हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी अच्छे से, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, तो अभी के लिए फिलहाल ये हो गई है बिल्कुल एकदम मस्त। हेडलाइट जो है क्या हो रही है, स्मोक हो रही है, ठीक है। द आर्टिस्ट वाली दूसरी गाड़ी है, वो हो चुकी है फुल्ली मॉडिफाई, अब मुझे हैकत नहीं रही है बताने की, सुबह से लगी हूँ यार, ये कब होंगी गाड़ियाँ। मैंने आपको आफ्टर बिफोर दिखाना था, थोड़ा आफ्टर दिखा देती हूँ, बिफोर रह जाता है, फिर बिफोर दिखा देती हूँ, आफ्टर रह जाता है, गचड़ मचड़ बन जाता है, गचड़ मचड़। इसका कल दिखा दूंगी, इसका मैंने आपको दिखा दिया, इसका तो मैंने बिफोर आफ्टर दोनों दिखा दिया, अभी मैं आपको क्या दिखा दूँ, ये तीसरी वाली है, इसकी हेडलाइट स्मोक हो रही है, ये मुझे पता है, बस एक यार चिपक गया, चिपक ही गया है। गाइस मैं एक बार आपको गाड़ी का फाइनल लुक दिखा देती हूँ कैसी हुई है, आ जा दानी। गाइस मेरी टांग को लगी, मैं लंगड़ी हो गई, देख रहे हो मतलब मॉडिफिकेशन हो चुकी है, इसका पेंट भी करवाया ना, तो नहीं नहीं विंडो गार्निश बोल देना, गाइस विंडो गार्निश हो गई है, तू बता आपने विंडो गार्निश, उसके अलावा इसमें विंडो साइड का क्रोम डाला हमने, मिरर्स का क्रोम डाला। गाइस जल्दी गाड़ी लेंगे अपन भी, उसके अलावा स्टीयरिंग तो मैंने इनको बहुत दिखा दी, पक गए होंगे स्टीयरिंग देख देख के। तो गाइस बताना मैं कैसी लग रही हूँ, बैठते एक सेकंड मुझे बैठ। तो गाइस ये मेरी गाड़ी है, ठीक है मेरी गाड़ी है, काढ़ा काढ़ा सूट है मेरी गाड़ी है। तो गाइस ये हो गया, उसके अलावा डोर गार्ड्स डाले हमने, ये देख सकते हो गोल्डन वाइट है, बहुत ही ऑसम लुक है उनकी,
अंदर से बिल्कुल खाली था जब मैंने आपको पहला दिखाया था, तो अभी देखो मैटिंग वगैरह भी डाल दी है इन्होंने, सीट वगैरह भी लगा दी है, बड़े मजे बैक साइड डाला है हमने इसमें, स्पॉइलर हो जाए, स्पॉइलर वन स्टेप चाबी ऑन करके वो मारना, ब्रेक मार, गाइस दिखाते हैं स्पॉइलर लाइट, ब्रेक मार ऐसे, डिम लाइट ऑन कर, स्विच कर, हाँ तो गाइस देख सकते हैं। हम पहुंच गए हैं बैक वाली साइड पर, कार्स वगैरह जो मॉडिफिकेशन होकर जो बैक वाली साइड आती है, जो मतलब ऑनर लेकर आते हैं खुद, और उनका रिव्यू भी हम जानते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ ऑल्टो केटन 2019 मॉडल है कार, और अभी ये ना फुल्ली मॉडिफाइड हो चुकी है, तो उसके बाद क्या सो गाइस आपको पता है मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कार्स की, मतलब बाइक्स वगैरह होती तो भी मैं बता देती, क्योंकि आपको पता है 50% नॉलेज है मुझे उनकी, तो कार्स का मैं कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला इसीलिए मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे कार्स और बाइक्स की फुल इन्फॉर्मेशन जाननी है, नॉलेज लेनी है, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होती है वो हर कोई इंसान चाहता है कि वो अपनी कीमती चीज़ को है जो एकदम मस्त तरीके से डेकोरेट करके रखे, अच्छे से रखे लाइक दुल्हन, तो वैसे ही सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास होती है हमारी कार होती है, कार हमारा एक छोटा सा घर होता है, मतलब हम इसको लेकर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोकेशन पर बैठ सकते हैं, एकदम ना मस्त तरीके से विंडो ओपन करके कोई भी जगह पे, ऐसी सुंदर सी जगह पे हम जा सकते हैं, तो वही सुंदर नहीं होगी तो फिर हम सुंदर जगह का क्या करेंगे। चेकआउट करो गाइज, ये हुई है क्विक वे मॉडिफिकेशन में मॉडिफाइड, जो हमारे भटिंडी में, मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, तो इसके बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। तो ये है कार के ऑनर, आपका नाम? मेरा नाम फरहान है। फरहान है, तो ये इनका इस कार के ऑनर है, इन्होंने कुछ दिन पहले मॉडिफाइड कराई थी, आज हो गई ना मॉडिफाइड? हाँ। कितने दिन लगे? महीना एक लगा, बहुत फास्ट सर्विस है क्विक वे मॉडिफिकेशन की, तो आपकी तसल्ली के मुताबिक अच्छी मॉडिफाइड हो गई है। सो गाइज, इसका मतलब है जो क्विक वे मॉडिफिकेशन है इंसान के दिल के मुताबिक ही वो मॉडिफाई करती है, और ऐसी कार मतलब ऐसा लुक देती है। तो फिलहाल गाइज मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी नॉलेज गेन करने की, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, इसलिए कोई कमेंट में ना बोले खुद पता नहीं है और खुद दूसरों को ज्ञान दे रही है, मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि मैं खुद भी जान पाऊँ और जितना मैं जान पाती हूँ उतना मैं आपको भी बताऊँ। ओके, आ रहा है।